इस क्वेश्चन में कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड वाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर इन टी सेकेंड, द वैल्यू ऑफ टी इन सेकेंड इज। ठीक, तो इस जो भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितनी चली है? 135 मीटर। ठीक, एक्सलेशन कांस्टेंट है और टाइम टी हमें बताना है, ठीक ना। तो टाइम निकालना है और हमें यू वी और एस दे रखे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मेरे पास यहाँ पे एक्सलेशन नहीं। अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, यू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ भी एक्सलेशन नहीं है। थर्ड क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो हम क्या करते हैं, पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सलेशन निकाल लेते हैं और एक्सलेशन निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके टाइम निकाल लेंगे। क्लियर? तो चलो, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, क्या हो गया, 20 का स्क्वायर, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 20 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, कितना है 135। तो ये कितना हो गया, 400 इक्वल टू 100 प्लस 270 ए, तो ये हो गया 300 इक्वल टू 270 ए। तो इससे कैंसिल, 30 से ये हो गया 10 और ये हो गया 9। तो एक्सलेशन कितना हो गया, 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब एक्सलेशन आ गई, तो अब निकाल लेते हैं टाइम। तो वी इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन 20 इक्वल टू 10 प्लस 10/90, तो इधर जाके हो गया 10 इक्वल टू 10/90, मतलब 10 माइनस 20 माइनस 10, मतलब 10 बचा, तो 10 से 10 काट दो, टी इक्वल टू 9 सेकेंड, टी इक्वल टू 9 सेकेंड, ऑप्शन बी। क्लियर?